हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मार्च 2024 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें 100+ क्वेश्चंस होंगे। इसमें 100+ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये फर्दर जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, एसएससी जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, इसके अलावा सीपीओ का एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इसमें से। तो 100+ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। एसएससी रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल आरबी सब्सक्राइब कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का और स्टैटिक का जो जीके है, ई बुक जो है आपके पास, आपके लिए जो अवेलेबल होती है, वो ई बुक आपको मार्च तक की अपडेटेड ई बुक आपको नेक्स्ट वीक तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। और वो नेक्स्ट वीक तक जो आपको स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर्स की ई बुक होगी, वो आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो एग्जाम आने वाला है आपका, और सीपीओ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सारे क्वेश्चंस अपडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के एंड करंट अफेयर्स के। क्लियर। नेक्स्ट, आपको पता है कि हमारा ऑफिसर्स बैच चल रहा है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स का ये बैच है, मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। इसमें आपको अवेलेबल होगा 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ और 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बैच में क्या है कि इस बैच में आपको मैथ, रीजनिंग के अलावा जीएस के जो आपको ऑप्शन होंगे, आपको जीएस में 2 टीचर से पढ़ने का ऑप्शन होगा। आप चाहे तो शिवम सर से पढ़ सकते हैं, चाहे मेरे से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो है इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा राधिका मैम यहाँ पे साइंस लेंगी। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, इंग्लिश के 2 टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं, अमन सर और पंकज सर। क्लियर है। तो ऑफिसर्स बैच आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको आपके चॉइस के टीचर्स मिलेंगे, जिससे आप चाहें उससे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो डेली टारगेट ग्रुप स्टार्ट होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए आप, भारत की पहली एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री, इंडिया फर्स्ट गीगा फैक्ट्री, मतलब गीगा वाट की स्टोरेज कैपेसिटी वाली एनर्जी स्टोरेज बैटरी बनाएगी, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, गीगा वाट होगी, है ना, गीगा जो है इंटेंसिटी की होगी। आपने सुना होगा किलो, मेगा, है ना, इस तरीके से आपने सुना होगा गीगा। तो वो कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में स्टैब्लिश की जा रही है। दूसरा, भारत का पहला डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बनाया गया है, कहां बनाया गया है, पटना। इंपॉर्टेंट ये है, डॉल्फिन 2009 में डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया जा चुका है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय जलीय जीव भी है डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, ये याद रखना है। और ये कहां खोला गया, पटना में। भारत में गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, इंडस डॉल्फिन, जो इंडस रिवर सिस्टम है वहां में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको इंडस रिवर डॉल्फिन कहते हैं। गंगेटिक रिवर सिस्टम में गंगेटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, और उड़ीसा के कोस्टल रीजन में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इरावदी एक रिवर है जो म्यांमार में फ्लो होती है। क्लियर है। इरावदी रिवर म्यांमार में डेल्टा भी बनाती है, जिसको इरावदी का डेल्टा कहते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने ये ऑफिसर बैच में हमने ये पढ़ा हुआ है, रिवर सिस्टम में इरावदी रिवर डेल्टा, जब हमने एशिया पढ़ा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भारत के सबसे ऊंचे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम को कि फाउंडेशन स्टोन कहां रखा है, कहां पे रखा है, दिवांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, दिवांग रिवर का नाम है और ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है रिवर सिस्टम में, और ये लोअर दिवांग वैली में है। लोअर जो दिवांग वैली है, तो लोअर दिवांग वैली कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, दिवांग रिवर जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। हाल ही में बहुत फेमस उपन्यास, नोवल बहुत फेमस था, जिसका नाम है मुझे पहचानो, इसके लेखक कौन है, लेखक है संजीव। और इंपॉर्टेंट ये है कि इन्हें
हिंदी के लिए साहित्य अकादमी मिला है इस बार का, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी प्राइज मिला है किसके लिए, हिंदी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, हालिया चर्चित बुक है मुझे राष्ट्रपति पद से हटाने की साजिश, कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, और ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा लिखी हुई किताब है। आपको पता होगा इस समय विक्रम रानिल सिंघे राष्ट्रपति हैं, और आपको पता होगा पिछले साल श्रीलंका के ये पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर करप्शन का चार्ज लगा था और उसके बाद वो देश छोड़ के भाग गए थे सिंगापुर। तो उनके द्वारा जो लिखी हुई बुक है बहुत फेमस है, चर्चा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2024 महोत्सव 2024 कहां आयोजित किया जाएगा, इंटरनेशनल है ये श्रीलंका में, और भारत में ये आयोजित कहां किया गया, कुरुक्षेत्र में। क्लियर है, जो हमने पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस किया। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत चर्चा में है चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम घोषित किया है, किस आधार पर, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, आप पढ़ते हो आरटीआई किस आर्टिकल के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है, ये क्वेश्चन पॉलिटी से बनेगा, आर्टिकल 1A, क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बाक और अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आजादी इसी आर्टिकल में है, और इसी आर्टिकल का एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में दिया, एक राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई इसी में आता है, सूचना का अधिकार, जो आप आरटीआई फाइल करके सूचना मांगते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रेस फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता इसी में आती है। तो इस आधार पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को यह शुरू कब हुई थी, बजट 2017-18 में यह लाई गई थी। क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। ये बॉन्ड कौन जारी करता था, एसबीआई। कितने प्रकार के बॉन्ड थे, 1000 का 10 टाइम्स 10 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर था इसमें, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 1,00,000। क्लियर है, सबसे ज्यादा चंदा किसे मिला है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम में सबसे ज्यादा चंदा मिला है बीजेपी को, दूसरे नंबर पर ममता दीदी की पार्टी टीएमसी, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तीन सबसे ज्यादा बड़े पार्टियां हैं जिनको चंदा मिला है। हाल ही में चर्चित विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम, बहुत फेमस स्कीम अभी शुरू की है, झारखंड सरकार ने शुरू की है, वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, चंपई सोरेन नाम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम इनकी इसकी सरकार है वहां पे इस पार्टी की, और इसके अंतर्गत ये योजना है जिसमें जो व्यक्ति किसी विधवा से शादी करता है, किसी विडो से शादी करता है, तो उसे सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, 7,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार। हाल ही में चर्चा में रहा जीआई टैग जिसका नाम है माजुली मुखौटा, ये मुखौटा आपको दिख रहा होगा, माजुली हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, माजुली रिवर आइलैंड है, कहां पर, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, कहां पर, आसाम में। तो ये जीआई टैग किस राज्य को गया है, आसाम को गया, आंसर मिल गया। हाल ही में यूजीसी द्वारा लॉन्च की गई शेरनी, आप देखिए शेरनी, SHERNI, सी मींस महिला, फीमेल रिसर्च नेटवर्क इंडिया, भारत में जितनी भी महिलाएं जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो फैकल्टी हैं, पढ़ाती हैं, इन सबका एक नेटवर्क तैयार करना है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एम्पावर फीमेल साइंटिस्ट एंड फीमेल फैकल्टीज, ये यूजीसी ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ, यूजीसी किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, याद रखना। हाल ही में फेमस पुस्तक फ्रॉम द कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक, आपको पता है एसएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, लेखक जो है बुक से, फेमस बुक से पूछता है, इसके लेखक कौन है, एस रमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग विच ऑफ द कंट्री इन विच द कच्चा टिश्यू, ये करेक्ट करना क्या है, कच्चा तिबू आइलैंड है, इसको भी करेक्ट करना, कच्चा तिबू किन दो देशों के बीच में, तो अभी आपने सुना होगा भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया, ये इंडिया है, नीचे श्रीलंका है, बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार में है कच्चा तिबू आइलैंड,
जो 1974 में इंदिरा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, एक समझौते के अंतर्गत हमने उस किसको दे दिया था, श्रीलंका को दे दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है किन दो देशों के बीच में है, कब 1974 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें, याद रखना है कहां पे, गल्फ ऑफ मन्नार में, मन्नार की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित चुनावी बॉन्ड योजना मैं पहले डिस्कस कर चुका, कब शुरू हुई क्या था मैंने डिस्कस कर लिया। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे देशों का, अलग अलग देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। उसी के क्रम में एक और देश भूटान ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी बात, ये पहले व्यक्ति हैं भूटान के बाहर के जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भूटान हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो वो उस ऑर्डर, उस सम्मान का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो, ये उसका नाम है जो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है क्या, भारत रत्न। इस बार 5 लोगों को दिया गया, आपको पता होगा भारत रत्न, क्लियर है। पहली बार किसी गैर भूटानी व्यक्ति को मिला है, ध्यान रखना, जो भूटान से संबंध नहीं रखता है, मोदी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है कि भूटान के साथ भारत के संबंध कितने अच्छे हैं। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा चापचरकुट फेस्टिवल है, किस राज्य से संबंधित है, आर्ट एंड कल्चर का सवाल, मिजोरम से संबंधित है। अगला, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट का नाम है मैरीलैंड, वहां पे आपने देखा होगा शिप जो है, जहाज पुल से टकरा गया, और पुल से टकराने का वहां का बहुत फेमस पुल ढह गया, उस पुल का नाम क्या है, द फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज नाम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है आर्टिकल 324, 3 मेंबर्स की बॉडी है ये, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो अभी अपॉइंट हुए हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, किसके कहने पर, 3 मेंबर्स की कमेटी के कहने पर। 3 मेंबर्स की जो कमेटी है उसमें कौन है, प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे, लॉ मिनिस्टर होते हैं नॉर्मली, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये 3 लोगों के कहने पर। तो इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी में पढ़ते हो आप, फिजिकली चैलेंज जो है, फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए नेशनल आइकॉन किसे बनाया है, शीतल देवी को बनाया है। शीतल देवी आप जानते हो आप लोग, महिला जो पैरा तीरंदाज हैं भारत की। आगे, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में विकसित BSHORAD क्या है, भारत डीआरडीओ द्वारा विकसित ये एयर डिफेंस सिस्टम है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारत का। अभी आपको पता है भारत के S-400 हमने कहां से खरीदा है, हमने रसिया से खरीदा है, ये दुनिया का सबसे फेमस एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमने कहां से खरीदा है, एयर डिफेंस सिस्टम, क्लियर, रसिया से। और दूसरा एक और है थार्ड हमने कहां से खरीदा, थार्ड किसका है, अमेरिका का है। तो थार्ड अमेरिका का है, S-400 इसलिए चर्चा में क्योंकि रसिया से हमने खरीदा है और ये हमने खुद का डेवलप किया है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORAD, जिसको हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के ITR चांदीपुर, ये हमारी मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, ITR चांदीपुर उड़ीसा के कोस्ट पर, बे ऑफ बंगाल के किनारे, और जगह का नाम है व्हीलर आइलैंड, जिसका पहले नाम था व्हीलर आइलैंड, आज के टाइम में अब्दुल कलाम आइलैंड, वहां पे हम टेस्ट करते हैं अपनी मिसाइलों को, वहां टेस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अफस्पा लॉ कब लाया गया, अफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कब आया, 1958 में। अफस्पा का पर्पज है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, सेना है, उसको स्पेशल पावर्स देना हमारे देश में होने वाली एंटी नेशनल एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए, जैसे नक्सलवाद, नक्सलिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद है, जहां इंसर्जेंसी होती है,
अराजकता, जहां पे आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन, सेपरेटिज्म है, आतंकवाद, टेररिज्म है, इन सबको काउंटर करना, ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सेना को अधिकार देने वाला कानून है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। चर्चा में इसलिए हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने अभी बोला है कि जम्मू कश्मीर से जल्दी भारत सरकार क्या कर सकती है, फसपा को हटा सकती है। मतलब जम्मू कश्मीर में धारा 370 आर्टिकल 370 के जो है हटने के बाद वहां पर नॉर्मलसी आ रही है, आतंकवाद अलगाववाद लगभग अपनी मरने की स्थिति में, मरणासन स्थिति में, खत्म होने की कगार पे है, इसलिए वहां नॉर्मलसी आ रही है, पीस आ रही है, स्टेब्लिश हो रही है, शांति स्टेब्लिश हो रही है, इसीलिए होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि भारत सरकार जल्दी ही वहां पे अफसपा को हटा सकती है। तो कब आया, 1958 में आया, 2019 से 2024 के बीच EBS के तहत, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत किन किन पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा मिला, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इसको, हाल ही में चर्चा में लोकप्रिय सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आपको पता है 2024 का जनरल इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये सक्षम ऐप किसके लिए है, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं और जो ओल्ड एज सिटीजन है उनको आसानी से पोलिंग बूथ तक लाके उनका वोट डलवाया जा सके, उनको आसानी दी जाए अपने वोट का यूज करने के लिए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सक्षम ऐप। अगला NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आपको पता है 2008 में जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद आतंकवाद को काउंटर करने के लिए 2008 में बनाई गई NIA एक्ट आया 2008, और इसके द्वारा 2009 में कौन सी एजेंसी बनाई गई, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एंटी टेरर एजेंसी है, आतंकवाद को रोकने वाली एजेंसी है, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करना, आतंकवादी गतिविधियों को पकड़ने वाली एजेंसी है NIA। इसके डायरेक्टर जनरल सबसे बड़े अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सदानंद वसंत दाते, इनको IPS अधिकारी है, इनको अपॉइंट किया गया है, क्लियर है। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध रहा ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु कहां चलाया गया, जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखना जहां पे स्टेट या यूटी आ जाए क्वेश्चन में तो ज्यादा चांस है यूटी पूछ रहा है, इसीलिए अदरवाइज यूटी ऑप्शन में नहीं होगा, आंसर नहीं होगा तो वो केवल स्टेट की बात करेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है, वहां पर जो गौ तस्करी हो रही थी, इस गौ तस्करी को खत्म करने के लिए, गायों को, काव को, गाय हमारी, आपने पता है गाय हमारी माता है ना, मतलब गाय को हमारे यहाँ पूजा जाता है हमारे देश में, तो गाय की तस्करी जो होती है, जो अपराधी गाय की तस्करी करते हैं, ऐसी गौ तस्करी को काउंटर करने के लिए, ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज को, ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा, जम्मू कश्मीर के प्रशासन के द्वारा, ऑपरेशन कामधेनु, क्लियर है। हाल ही में चर्चा में रहा लेमाइटे, ये लेमाइटे क्या है या लेमित्ते लिखा जाता है, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच में, इंडिया और सेशेल्स के बीच में। सेशेल्स आपको पता है इंडियन ओशियन का एक आइलैंड कंट्री है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइलैंड कंट्री है, इसका जो है जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्लियर। अगला, हालिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर एक प्रजाति समुद्री सिलक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया, क्या नाम रखा गया है, मेलानो चलाइमिस द्रौपदी, ये नाम रखा गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है PM सूरज पोर्टल, ये पोर्टल है PM सूरज पोर्टल किससे संबंधित है, तो देखो इसकी फुल फॉर्म जो है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका पर्पज है जो भारत के डिप्रेस सेक्शंस हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके जो युवा हैं, 1,00,000 एंटरप्रेन्योर्स जो युवा हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या दिया जाएगा, क्रेडिट सपोर्ट देगी सरकार, उन्हें आसानी से लोन उपलब्ध कराएगी और उसमें भी क्रेडिट में क्या देगी, सब्सिडी देगी, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी, ब्याज पे सब्सिडी देगी। तो ये PM सूरज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय एंड एम्पावरमेंट और अधिकारिता मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है।
हाल ही में लॉन्च की गई इंद्रम्मा इंद्रिम्मा इंदलू आवास योजना 2024। इंद्रम्मा इंदलू आवास योजना 2024 किस राज्य सरकार की योजना है? तेलंगाना सरकार की योजना है और वहां के मुख्यमंत्री का नाम आपको पता है, कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। हालिया चर्चित समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बीच हुई है? इंडिया और मलेशिया के बीच हुई है। अगला, भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी में इस टर्म का यूज होता है। न्यूक्लियर जो एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में मेनली पढ़ते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से तैयार होती है आज के टाइम में, नाभिकीय विखंडन से, जहां यूरेनियम 92U-235 को न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करके तोड़ा जाता है और एनर्जी क्रिएट की जाती है। क्लियर है? इसके अलावा दुनिया जो इस समय काम कर रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम कर रही है, नाभिकीय संलयन पे काम कर रही है। तो दो प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, या फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है? यूरेनियम के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये कहां पे बनाया गया? कल्पक्कम तमिलनाडु में है, और ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, भारत में न्यूक्लियर प्लांट्स कहां कहां हैं। तो आप उत्तर भारत से चलोगे दक्षिण भारत की ओर तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतवाटा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापार जो है गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। क्लियर है? इसके अलावा कल्पक्कम तमिलनाडु और कुडनकुलम तमिलनाडु में दो है। तो ये भारत के समय ऑपरेटिंग, जो ऑपरेशनलाइज्ड हैं, समय चल रहे हैं 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है भारत में। अगला, हालिया CBSE के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राहुल सिंह को CBSE का सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? BBC ने, ये सही कर लेना, यहां पे IQ एयर नाम की संस्था है, यहां पे सही कर लेना, कौन सी संस्था है? IQ एयर, उसने निकाली है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित देश, या कहो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है या कंट्री कौन सी है? तो आया है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, तीसरे पे इंडिया। हालिया प्रधानमंत्री द्वारा वीरता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ वैल्योर, चांदी की मूर्ति का, सिल्वर की मूर्ति है ये, सिल्वर की स्टैच्यू है, ध्यान रखना है, कहां पर की गई है? आसाम के जोरहाट में की गई है। और ये स्टैच्यू ऑफ वैल्योर अहोम वंश जो पहले था, अहोम डायनेस्टी के बहुत फेमस वहां के सैन्य कमांडर हैं, उनके नाम पर उनकी मूर्ति लगाई गई है, स्टैच्यू ऑफ वैल्योर। हाल ही में चर्चा हमारा PMLA, आपको पता है PMLA कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया, और ये कानून रेगुलेट करती है कौन? एयर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED, आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। अभी आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो हैं, उनको अरेस्ट किया है इसी PMLA एक्ट में, उन पे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का, करप्शन का आरोप है। क्लियर है? तो ये बहुत चर्चा में है, PMLA एक्ट कब आया? 2002 में। ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो प्रवर्तन निदेशालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, ये एजेंसी है जो इस कानून को लागू करती है। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? स्नाइपर आपने पता होगा, स्नाइपर जो है सटीक निशाना लगाने के लिए जाने जाते हैं जो सोल्जर्स हैं, तो पहली महिला स्नाइपर BSF में कौन बन गई है? सुमन कुमारी बन गई है। कौन बन गई भैया? सुमन कुमारी पहली स्नाइपर जो है, महिला स्नाइपर बन गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संसद सुरक्षा, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उसके हेड चीफ कौन बनाए गए? IPS अनुराग अग्रवाल जी को बनाया गया। अगला, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरियाज में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, सड़कों को, ब्रिजेस को, इन सबको तैयार करता है। इसने सेला टनल प्रोजेक्ट, आपको पता है सेला टनल, सेला पास भी पढ़ा है हमने ज्योग्राफी में, सेला पास, सेला दर्रा, ये सब कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड, वुमेन प्रीमियर लीग, IPL की तरह इंडियन प्रीमियर लीग होता है पुरुषों का, तो ये क्या है? सेकंड वुमेन प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता है? RCB ने जीता है। और आपको पता है पहला किसने जीता था? मुंबई
इंडियंस ने जीता था पिछले साल। चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं, आपको पता है फ्रांस में। इसमें भारत का जो दल होगा उसका ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन होगा? शरत कमल होंगे। कौन होगा? जो खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के, शरत कमल, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगला, हाल ही में चर्चा रहा सिल्वर फिलिग्री, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा का है ये सिल्वर फिलिग्री। हाल ही में चर्चा में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता होगा, संवैधानिक बॉडी है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किशोर मकाना जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इनके अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। हाल ही में चर्चित ईडी एजेंसी किस मंत्रालय के, मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो पीएमएलए एक्ट को लागू करती है। हाल ही में चर्चा हमारा ऑपरेशन इंद्रावती, बहुत फेमस है ऑपरेशन इंद्रावती। ये देखिए आपको, ये कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन कंट्रीज है, आपने सुना होगा कैरेबियन कंट्रीज, गल्फ ऑफ मेक्सिको के नीचे कैरेबियन सी है, अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में जो सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट पड़ता है, इसमें कैरेबियन सी, कैरेबियन आइलैंड है, आपने सुना होगा, जमैका है, हैती है, प्यूर्टो रिको है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, बारबाडोस है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है जिनको मिलकर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनती है, सुना होगा आपने। तो यहां पे हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, यहां पर जो भारतीय फंसे हुए थे, यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, इंटरनल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया वहां पर देश में, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती, जैसे ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को, भारतीय लोगों को निकालने के लिए, रसिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था ऑपरेशन गंगा तब चलाया गया था। तो ये लिखा है देखिए आप, टू इवैक्यूएट फ्रॉम, टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम हैती। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी पे बनाई गई? अंडर वाटर मतलब मेट्रो पानी के नीचे से जाएगी, पहली बार भारत में ऐसी मेट्रो बनी है, कहां? हुगली रिवर, कहां पर? कोलकाता। प्रधानमंत्री जी ने अभी इनॉग्रेशन किया कुछ दिन पहले जाके, वहां पे आपने देखा होगा। और आपको पता है कोलकाता में ही भारत की पहली मेट्रो चली थी 1984 में। हुगली रिवर आपको पता है किसकी? ट्रिब्यूटरी नहीं है, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटरी है, पढ़ाया मैंने रिवर सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की। तो अगर मैं मैप बनाऊं, अगर आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से गंगा आती है और ये फरक्का बैराज पड़ता है बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, फरक्का बैराज से यहां से एक स्ट्रीम निकलती है, धारा निकलती है गंगा के से, और गंगा से निकल के कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है, इसी को कहते हैं हुगली रिवर। इधर से दामोदर रिवर आ रही है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, और दामोदर रिवर इसमें मिल जाती है। तो दामोदर रिवर क्या है? हुगली की ट्रिब्यूटरी है, और गंगा की ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा आगे चली जाती है बांग्लादेश में, ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा से तीस्ता मिल रही है, तो तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की। सिक्किम से आ रही तीस्ता रिवर, और ये मिलके क्या बोली जाती है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या बोली जाती है? तीस्ता मिलने के बाद जमुना, और जमुना से गंगा आगे जब मिलती है तो बोली जाती है पद्मा, और जब ये बे ऑफ बंगाल में निकलती जाके तो बोली जाती है मेघना। ये पूरा मैंने आपको गंगेटिक रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहां पे बता दिया। अगला, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? एमा स्टोन को दिया गया है। आपका काम ये है, होमवर्क में दे रहा हूं कि इस बार के जो ऑस्कर प्राइज हैं उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, ये आप घर से नोट कर लेना इसको। हाल ही में किस भारतीय शख्सियत को कौन सा अवार्ड? इरास्मस प्राइज 2024 दिया गया है, अमिताभ घोष को दिया गया है। अगला, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल, पुरुष और महिला के बीच में कितना भेदभाव है, कितना असमानता है, कितना इनइक्वालिटी है, उसमें भारत की रैंक कितनी है? 108। निकालता कौन है? यूएनडीपी, और इसने अभी रिसेंटली एचडीआई भी निकाला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकाला है। आपका होमवर्क ये, भारत की रैंक मैंने बता दी, इसमें पहली रैंक किस देश की है ये पता करना है, है या नहीं है, किसी को पहली रैंक मिली है या नहीं मिली है ये भी देखना है। नेक्स्ट, देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया? पाम ऑयल आपको पता है एक टाइप का वेजिटेबल ऑयल है,
जो सब्जी बनाने में खाने में एडिबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल मतलब एडिबल खाने योग्य जो तेल होता है, और भारत में चलाया जा रहा है पाम ऑयल मिशन भारत, क्योंकि आपको पता है हमारे देश, हम जो है लगभग अपनी जरूरतों का आधे से ज्यादा वेजिटेबल एडिबल ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो भारत में वेजिटेबल एडिबल ऑयल को बढ़ावा देने के लिए सरसों जैसे मस्टर्ड है, मूंगफली है जैसे ग्राउंड नट्स है, जैसे सोयाबीन है, ऐसे ही क्या पाम ऑयल है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल मिशन चलाया जा रहा है। और उसके अंतर्गत ही देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट कहां लगाया गया, अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया। हाल ही में किस देश ने भारत ने किस देश को 228 डोर्नियर विमान, ये डोर्नियर विमान क्या है, ये निगरानी सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जो समुद्र की निगरानी करते हैं। ये डोर्नियर विमान किसको दिया है हमने, गुयेना को, बेचने पे समझौता हुआ है। गुयेना साउथ अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका में आप इस तरीके से ऐसे देखोगे तो इधर से चलोगे तो कोलंबिया, वेनेजुएला, गुएना, फ्रेंच गुएना, सूरीनाम, बीच में आएगा सबसे बड़ा देश ब्राजील, फिर इधर से चलोगे तो कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील के नीचे पराग्वे और उरुग्वे, ये सारे देशों के नाम मैंने साउथ अमेरिका के आपको बता दिए। वर्ल्ड ट्यूबर क्लोसिस डे 2024 किस दिन के लिए, 24 मार्च। डे आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता करना है इस वाले जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस डे था उसकी थीम क्या थी, ये आपका होमवर्क है। अगला, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, पर्पज क्या है, यूपी में उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, उत्तर प्रदेश की योजना है, मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको शुरू किया। हाल ही में चर्चा में रही संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इससे फुटबॉल से संबंधित है, जैसे रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। और इसमें अभी जीता किसने है, जो सर्विसेज की टीम है इसने जीता है, और किसको, गोवा की टीम को हराकर जीता है। हाल ही में चर्चा मेरी गृह मंत्रालय द्वारा हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, एमएचए ने यह अनाउंस किया है, हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा, कब, 17 सितंबर। तो 17 सितंबर 1948 को भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और हैदराबाद का जो निजाम था, जो पाकिस्तान में हैदराबाद को शामिल करना चाहता था, उस ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन के द्वारा उस निजाम को हटाकर हैदराबाद का भारत में 17 सितंबर 1948 को विलय कराया था। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने का अनाउंस किया, सेलिब्रेट करने का अनाउंस किया, ऑपरेशन पोलो याद रखना। हालिया, कितनी अस्थियों को 2024 में भारत रत्न मिला है, मैंने पहले बता दिया था 5, नाम भी बता देता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के लीडर हैं बहुत फेमस, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मसीहा ऑफ सोशल जस्टिस कहा जाता है, इन्हें बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, ये बहुत फेमस लीडर थे। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन जी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इनको बोला जाता है। अगला, पीवी नरसिम्हा राव जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया कहा जाता है। 1991 की एलपीजी रिफॉर्म्स, न्यू इंडस्ट्रियल एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यही लेके आए थे। और चौधरी चरण सिंह जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मसीहा ऑफ फार्मर्स, किसानों के मसीहा कहा जाता है। इन 5 लोगों के लिए दिया गया है, क्लियर है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिसेंट हाई लेवल कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पे, आपको पता है बहुत बड़ी डिबेट चल रही देश में कि एक साथ, क्योंकि पूरे साल आप देखोगे हर साल भारत में किसी न किसी राज्य के चुनाव चल रहे होते हैं, और इससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाता है, सारी सरकार मशीनरी सब नेता सब कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, इलेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि भैया बार बार चुनाव होंगे, बार बार इतना पैसा खर्च होगा चुनाव में, इतनी मशीनरी वेस्ट होगी और बार बार हर साल चुनाव होंगे, कहा जाता है भारत जो है हर साल चुनावी मोड में होता है, तो इससे डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है।
तो वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक बार चुनाव, इसके लिए जो कमेटी बनाई, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, इन्होंने अभी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। डायना मेमोरियल अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को मिला है, सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता है। हाल ही में प्रसिद्ध रही लड्डू मार होली, और एक और प्रसिद्ध है लठ मार होली, ध्यान रखना लठ मार होली और लड्डू मार होली, ये किस राज्य से संबंधित है, यूपी, जहां तक मुझे याद मथुरा की ये होली है, बहुत फेमस ब्रज क्षेत्र की होली है। बीएसएससी क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, भारत कहां पर है, तिरुवनंतपुरम केरला में है, ये भारत का पहला स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, ये पहला स्पेस सेंटर है। 1969 में विक्रम साराभाई जी को फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया कहा जाता है, इन्होंने ही 1969 में इसरो की स्थापना की थी, जो भारत की स्पेस एजेंसी है हमारी। इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, सखी ऐप है, जो भारत का गगनयान जाएगा, गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, इसके लिए ये सखी बनाया गया ऐप। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2+2 डायलॉग शुरू किया है, ब्राजील के साथ। 2+2 का मतलब होता है एक तरफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री चार हो गए, ये आपस में बातचीत करते हैं एक साथ। तो भारत किसके साथ करता है, इंडिया अमेरिका के साथ करता है, हमारा देश जापान के साथ करता है, हमारा देश ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, हमारा देश रसिया के साथ करता है 2+2 डायलॉग, क्योंकि डिफेंस का सेक्टर और फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स एक ही साथ इंटीग्रेटेड रूप में आगे चलते हैं। तो ब्राजील के साथ हमने नया शुरू किया है। किस देश को 2035 तक किस देश ने अनाउंस किया है कि वो पेट्रोल बेस्ड कारें इसकी बिक्री बंद कर देगा पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए, और पेट्रोल से कहां शिफ्ट होगा, ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट होगा, कौन, अमेरिका ने बोला है। पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री आजकल बहुत चर्चा में, आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है, इसकी थीम क्या आती, क्वेश्चन ये पूछेगा, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस दिन पर राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की एक एमपी को नॉमिनेट किया है, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, उनका नाम है सुधा मूर्ति जी, नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस हैं, जो इंफोसिस के चेयरमैन है, फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति जी उनकी वाइफ हैं सुधा मूर्ति जी, और ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी की सास भी हैं। तो आपको पता है राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 एमपीज को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं, उन्हीं में से एक को किया है सुधा मूर्ति जी को 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, पुनेरी पल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन, 28 साल बाद भारत में आयोजित हुई मिस वर्ल्ड 2023, सबसे इंपॉर्टेंट है, कहां पे, मुंबई में। ये मिस वर्ल्ड वाला उससे पहले भी करंट अफेयर में हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, सिनी सेट्टी ने किया, क्लियर है। और आपका क्वेश्चन ये है कि इसका मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने, प्राइज किसने जीता है, कमेंट करना है आपको। पीएम मोदी ने भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा की आधारशिला कहां रखी है, जहां पर क्या बनेगी, कमर्शियल पर्पज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएंगी। तो तीन सेंटर्स का आधारशिला रखी थी, जिसमें चिप्स वाली की आधारशिला कहां रखी थी, धौलेरा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, धौलेरा का इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पर गुजरात में रखी है। अगला, हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट, स्पेस पोर्ट का मतलब स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन, जहां से अब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, दूसरा कहां पर बनाया है, वो दूसरा बनाया है कुलशेखरापट्टनम स्पेस पोर्ट, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल के
बिल्कुल इस वाले पार्ट में आप देखोगे, यहां पर तमिलनाडु में। और अभी करंट में कहां पर, आपको पता होगा ऊपर आंध्र प्रदेश में, कौन सा आइलैंड, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आइलैंड आंध्र प्रदेश, ये करंट में है। बे ऑफ बंगाल के, बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है ये। दूसरा ये हाल ही में चर्चा में रहा लोकप्रिय इथेनॉल 100। एथेनॉल 100 का मतलब आपको सुना होगा आपने, एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम सुना होगा, जहां पेट्रोल के साथ एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा। क्लियर है? तो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल का मतलब है, अभी आप अभी जो टारगेट है 2030 तक भारत सरकार का, वो टारगेट है 20%। 20% का मतलब है एथेनॉल E20 का मतलब है 80% पेट्रोल होगी और 20% एथेनॉल मिला के यूज किया जाएगा, जिससे पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम हो, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम हो, क्योंकि एथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। एथेनॉल 100 का मतलब है 100% एथेनॉल। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है। इंडियन ऑयल ने तैयार किया ये, जो भारत की, आपको पता है इंडियन ऑयल क्या है, महारत्ना कंपनी है, 13 कंपनियां है महारत्ना कंपनी, उनमें से एक है। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया, रतन टाटा जी को दिया गया, याद रखना। जूस जैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हाल ही में आरबीआई ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, इकोनॉमिक फ्रॉड्स हो रहे थे, तो एक टर्म चर्चा में आ गया है, आरबीआई ने उस टर्म को बोला है जूस जैकिंग, की भैया जूस जैकिंग साइबर अटैक से संबंधित है, इससे बचना है, अवेयर रहना है, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जूस जैकिंग का मतलब होता है आप पब्लिक वाईफाई है या पब्लिक हॉटस्ट, कहीं पे पब्लिक वाईफाई है या पब्लिक कहीं पे चार्जर पॉइंट है, वहां पर अपना पहले से लगे हुए एडाप्टर में अपनी डेटा केबल को लगा के चार्ज नहीं करना है। मतलब आप इकोनॉमिक फ्रॉड से बचने के लिए अवॉइड करें पब्लिक प्लेसेस पर किसी दूसरे के एडाप्टर में अपनी डेटा केबल से चार्ज करना, और ज्यादातर अवॉइड करें कि पब्लिक प्लेस पर चार्ज ना ही करें मोबाइल, जिसमें आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप डिजिटल ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हो। इस टर्म को जूस जैकिंग कहा गया है, कि आजकल कहीं पे एडाप्टर लगा होता है या उस स्विच में एडाप्टर लगा दिया, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड करने, हैकिंग करने वाले लोग हैं, आपने डेटा केबल लगाई और आपने अपना मोबाइल कनेक्ट कर दिया, चार्ज करने लगे, मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन उसने हैक कर ली और फिर उसने आपका अकाउंट क्या किया, खाली कर दिया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही, बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट हो रही, क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, इकोनॉमिक फ्रॉड है। इसको लेके जागरूकता, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने जूस, इस वर्ड का नाम क्या दिया, जूस जैकिंग नाम दिया। नेटो का 32nd मेंबर कौन बन गया, स्वीडन बन गया है। क्लियर है? दूसरा ये नेटो कब बना, 1949 में, कोल्ड वॉर के डाउन टाइम पे बना, और कौन से पैक्ट से बना, वॉशिंगटन पैक्ट, इसके लिए साइन हुआ था, वॉशिंगटन समझौता के अंतर्गत बना, और सामने था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, वो बना था वॉर्सा पैक्ट, उसका वॉर्सा पैक्ट था, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सा। हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, भारत के पैरालंपिक स्टार देवेंद्र झाझरिया जी बने। हाल ही में चर्चित रहा मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र क्या है, डीआरडीओ का पहला सक्सेसफुल टेस्ट है किसका, अग्नि 5 भारत की ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है, अग्नि 5। आपको पता है डीआरडीओ ने भारत में 5 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो टैंक को खत्म करती है। ये अब्दुल कलाम साहब का जो प्रोजेक्ट था 1983 में उन्होंने शुरू किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत डेवलप हुई है, इसीलिए अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। व्हाट नेक्स्ट, इंडिया की रैंक HDI 2022, HDI कौन निकालता है, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक भारत की रैंक 134 है। आपका होमवर्क ये है, फर्स्ट रैंक किस देश की है, निकालता कौन है, UNDP किस बेस पे निकालता है, 3 पैरामीटर होते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है उस देश की, क्लियर है, हेल्थ इंडिकेटर्स कैसे हैं और एजुकेशन, ये 3 होते हैं इसके इंडिकेटर्स।
अगला, भारत की जन औषधि पहल, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं पूरे देश में, जहां जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो सस्ती होती हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सुना होगा आपने, तो भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन बन गया है? मॉरिशस बन गया। यह भी एक क्या है, इंडियन ओशियन का आइलैंड कंट्री है, क्लियर है। और इसकी भी जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन ओशियन में बीचों बीच में है और ये ट्रेड वहां से पूरे इंडियन ओशियन में ट्रेड जो होता है उसके लिए उसके कारण जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। देश की पहली एलएनजी बेस्ड बस, आपने पता होगा अभी सीएनजी एक फ्यूल है, इससे चलती हुई बसें सुना होगा, अब क्या है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाली बस भारत की पहली कहां? मुंबई में शुरू की गई है। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सोमा, कहां शुरू किया गया? न्यू दिल्ली में, जहां आयुर्वेदिक खाने के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष आईएएस नवनीत सहगल जी को बनाया गया है, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, बहुत फेमस हैं ये। हाल ही में रिसा टेक्सटाइल इसको जीआई टैग मिला है, कहां का है? त्रिपुरा का है। सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? बहुत फेमस फार्मूला वन रेसर है मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने जीता है, बहुत फेमस प्रितजर वास्तुकला पुरस्कार है, नाम है प्रितजर आर्किटेक्चर प्राइज, ध्यान रखना आर्किटेक्चर के फील्ड का ये क्या है? नोबेल पुरस्कार है, आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार माना जाता है इस प्राइज को। ये किसको मिला है? जापान के रिकेन यामा मोटो को मिला है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेजिलिएंट फोर्स, जो एक डिजास्टर रेजिलिएंट फोर्स है भारत का, आपदा प्रतिरोधी फोर्स है, आपदा कहीं डिजास्टर आता है तो एनडीआरएफ, आपको पता होगा एनडीआरएफ की टीम जाती है वहां पे हर जगह, चाहे बाढ़ या हो या कोई भी आपदा हो। ये एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल सबसे बड़े अधिकारी कौन नियुक्त किए गए? पीयूष सिंह नियुक्त किए गए। और ये एनडीआरएफ किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंतर्गत काम करता है। हाल ही में 700 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं, और मुझे तो लग रहा है आज के टाइम में क्रिकेट खेल रहे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं, 40 के समथिंग हो चुके हैं ये और 700 विकेट ले चुके हैं सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के जो है बॉलर हैं ये। हाल ही में खबरों में रहा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किन पर लागू होता है? तो तीन देशों से आए शरणार्थी, कौन शरणार्थी? जो वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, कहां से? पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। कौन? हिंदू सिख क्रिश्चियन जैन बुद्धिस्ट और पारसी, ये छह जो इन देशों में, चूंकि ये तीनों देश क्या हैं? इस्लामिक नेशन है, इन देशों का राष्ट्रीय धर्म है इस्लाम, तो यहां पर ये लोग क्या हैं? ये छह धर्म के, हिंदू सिख क्रिश्चियन जैन बुद्ध और पारसी, इन धर्म के जो लोग हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और यहां पर धार्मिक आधार पर इनके साथ भेदभाव होता है। तो ये लोग आ चुके हैं, कट ऑफ डेट याद रखना है, आएंगे नहीं, आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग आ चुके हैं उन्हें CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा नागरिकता दी जा रही है। सरकार कई बार बोल चुकी है और ये फैक्ट है, बिल्कुल सही है, CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता देने का कानून है और ये भारत के किसी नागरिक पे लागू नहीं होता है, वो शरणार्थी जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हैं और इन छह धर्मों से संबंधित हैं और इन देशों से आए हैं, कब तक आ चुके हैं? 31 दिसंबर 2014 तक आ चुके हैं इंडिया में, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और ये किस कानून में संशोधन करता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो सबसे पहला कानून है सिटीजनशिप से संबंधित, 1955 में बनाया, उससे संबंधित। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है कौन है? राजीव कुमार हैं। दो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, श्री ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु। हाल ही में चर्चा में रहा डिफेंडर्स 2024 समुद्री अभ्यास है, मैरिटाइम जो है नेवल एक्सरसाइज है इंडिया की और यूएसए की।
हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? संजीव जी को दिया गया है। मुझे पहचानो नोबल पहले ही मैंने बता दिया था, क्लियर है। आपका होमवर्क ये है कि कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, नोट कर लेना। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है। निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशन। इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN निकालता है। और इसका पहली रैंक क्या है यह आपको पता करके आना है। पवित्र प्रतीक है ओम। ओम जो बहुत होली और बहुत सेक्रेट सिंबल है ओम, उस ओम के साइज का मंदिर कहां बनाया गया है? ये देखो मंदिर का ही तो जो है टॉप व्यू है, ये मंदिर का कहां बनाया गया है? ओम आकार टेम्पल उसका नाम है, पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बनाया गया है। ये विश्व का पहला ओम के शेप का आकार का मंदिर है। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 ये कहां पे हुई? अभी मैंने बताया था कहां हुई, मुंबई हुई। जो मैंने आपको बताया था कमेंट करना था उसकी, किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचस्कोवा, नाम भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, पिचस्कोवा। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री आपको पता है मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद बीजेपी के लीडर सांसद थे ये नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पे अपॉइंट किया गया गवर्नर साहब के द्वारा। 42वां रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई ने जीता है, क्रिकेट से संबंधित है आपको पता है रणजी ट्रॉफी। हाल ही में जी आई टेक अंबाजी, अंबाजी व्हाइट मार्बल, अंबाजी, अंबाजी टेम्पल, अंबाजी माता जी का टेम्पल बहुत फेमस है। कहां पर? अंबाजी माता का टेम्पल गुजरात में। तो अंबाजी व्हाइट मार्बल कहां का होगा? गुजरात का। किस राज्य में आयरिस एक ह्यूमनाइड है, ध्यान रखना AI है, रोबोट है जो टीचर है। और आपको पता है ऐसे इन्वेंशन के लिए, ऐसे इनोवेशन और आइडियाज के लिए जाना जाता है कौन? केरला। केरला के तिरुवनंतपुरम में आयरिस नाम का ह्यूमनाइड है, रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है जो शिक्षक के रूप में काम करेगा। फोटो भी लगी हुई है आप देखिए। हाल ही में नेपाल ने किस शहर को हिमालयी राष्ट्र की पर्यटन राजधानी, कैपिटल ऑफ टूरिज्म, कैपिटल ऑफ हिमालयन नेशंस बना दिया है, नेपाल ने घोषित कर दिया है, पोखरा शहर को किया है। विश्व कबड्डी दिवस 24 मार्च पर 128 लोगों ने एक साथ कबड्डी खेलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। और कहां पर? ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला हरियाणा। ताऊ देवीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बहुत फेमस नाम है पॉलिटिक्स में। किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी है, सरकार के द्वारा पहला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस नाम है उसका लॉन्च किया है? क्या नाम है? केरला। और केरला भारत का पहला स्टेट है जिसने खुद की एक टेलीकॉम कंपनी, केरला सरकार ने खुद की एक इंटरनेट कंपनी बनाई है, इंटरनेट, सरकारी इंटरनेट सुविधा देने वाला पहला राज्य है भारत का केरला, क्लियर। तो उसने अपना OTT प्लेटफॉर्म भी बना दिया जिसका नाम है सी स्पेस। OTT प्लेटफॉर्म आप समझते हो ना, जैसे अमेजन TV आप देखते हो, है ना, नेटफ्लिक्स देखते हो, ये OTT है, सोनी लिव देखते हो आप, ये सब OTT प्लेटफॉर्म है। हाल ही में चर्चित सोनम पांगचुक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भूख हड़ताल पर बैठे थे? लद्दाख में। सोनम बांगचुक जी को आप जानते हो, ये जो 3 Idiot मूवी आई थी उसके जो फुनसुक बांगड़ू थे, जो आमिर खान का करेक्टर था, वो सोनम बांगचुक जी का करेक्टर था। बहुत फेमस हमारे साइंटिस्ट हैं ये, और ये माना जाता है कि भारत में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पेटेंट इन्हीं के नाम पर, क्लियर है। तो सोनम बांगचुक जी ये मांग कर रहे थे कि लद्दाख को Schedule 6 में शामिल किया जाए, इनकी ये मांग है, ये डिमांड है, इसको लद्दाख को, इसके लिए बैठे हुए थे। Schedule 6 आप पॉलिटी में पढ़ते हो। इस समय 4 राज्य हैं, ATMM, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसके 10 जो एरियाज हैं, रीजन है, वो Schedule 6 में शामिल हैं। 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं यहां, 3 मेघालय में है, गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स जो हैं उनके जो रीजन है, 3 वहां पे हैं, 3 आसाम में है, कार्बी आंगलांग, बोडोलैंड और दीमा हसाओ, 1 त्रिपुरा में है और 3 जो है वो मिजोरम में है। 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, आप पॉलिटी में इसको पढ़ा होगा आपने।
चर्चित एबल प्राइज। एबल प्राइज मैथमेटिक्स का नोबल माना जाता है, ध्यान रखना। एबल प्राइज मैथमेटिक्स का नोबल है, और इस साल का एबल प्राइज किसे दिया गया, ये आपका होमवर्क है। चलो होमवर्क क्या है, ये पीछे नीचे क्वेश्चन भी है। एबल प्राइज 2024 का किसे दिया गया, माइकल कैलाग्रैंड को दिया गया, फ्रांस के। तो बच गए आप लोग होमवर्क से, है ना। तो एबल प्राइज क्या है, मैथमेटिक्स के फील्ड में मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज माना जाता है, और ये दिया गया। हाल ही में चर्चित महिला कुछ जो है इंडेक्स क्या है, महिला व्यवसाय कानून रिपोर्ट इंडेक्स 2024, वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आपका होमवर्क है इंडिया की रैंकिंग क्या है, पता करना है आपको। फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी जिसे चीन के वर्ल्ड विलियर्ड्स म्यूजियम ऑफ हॉल ऑफ फेम, हॉप नहीं है ये, हॉल ऑफ फेम में, मतलब पहले भारतीय हैं जो चीन का म्यूजियम जो है, संग्रहालय है हॉल ऑफ फेम का, उसमें उनकी फोटो लगाई जाएगी, प्रतिमा लगाई जाएगी, जो भारत के फेमस विलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। पहले भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने T20 में 12,000 रन पूरे किए हैं, जानते हो आप, विराट कोहली। गर्भपात एबॉर्शन को फंडामेंटल राइट घोषित किया हर व्यक्ति का, कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने एबॉर्शन को फंडामेंटल राइट घोषित किया है, वो देश है क्या, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 पर किस महिला को, ये मैं बता चुका हूं, सुधा मूर्ति जी। हाल ही में चर्चा में रही फूल देई महोत्सव फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित। तो ये हमारा 104 तो क्वेश्चन इसी में लिखे हुए हैं, पीडीएफ फॉर्म में लिखे हुए 104 क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने हर पेज पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को, इंफॉर्मेशन को ऐड किया है उससे रिलेटेड। तो ये हमारी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस की आज की इस महीने की मार्च की करंट अफेयर्स थी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी करंट अफेयर्स। और मैं पहले ही कहता हूं, आपको करंट अफेयर्स स्ट्रांग करनी है तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कुछ मत करना, केवल न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, जब आदत पड़ जाए तो नोट्स मेकिंग करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखो, आपकी करंट अफेयर भी तैयार होगी और करंट अफेयर के साथ साथ जीएस भी तैयार होगी, क्योंकि लगभग हर सब्जेक्ट की जीएस जो है, स्टैटिक जीएस है, वो आती है अखबार में चर्चा में, क्योंकि इश्यूज तो वही रहेंगे, देश में मुद्दे वही रहेंगे, चाहे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हों, पॉलिटिक्स के मुद्दे हों, इंटरनेशनल रिलेशन के हों, साइंस के हों, टेक्नोलॉजी के हों, ज्योग्राफी के हों। जैसे कच्चा तिबू आइलैंड ज्योग्राफी का एक पार्ट है और वो प्रधानमंत्री जी के भाषण में चर्चा में आया, तो क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा मार्च महीने का करंट अफेयर। आई होप कि आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपने किए होंगे और थोड़ा बहुत सुना भी होगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।